देश का प्रसिद्ध संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रुड़की की राधा कृष्ण भवन की मेस में खाने के सामान में चूहे मिले हैं। ये चूहे कढ़ाई, चावल और राशन में दिखाई दिए। ये सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में हंगामा शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, इसकी वजह से 400 से अधिक छात्रों को भूखा भी रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस संबंध में फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। छात्रों का कहना था कि उन्होंने चूहों वाला खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे में छात्रों ने मौके पर हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना था कि देशभर का जाना माना संस्थान होने के बाद भी यहां साफ सफाई नहीं दिख रही है और इससे किचन में चूहे छात्रों का खाना खा रहे हैं, जिससे छात्र बीमार पड़ सकते हैं। छात्रों ने संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों की मेस के कर्मचारियों से बहस भी हो गई। मेस के कर्मचारी छात्रों को समझाते रहे लेकिन छात्रों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने जमकर हंगामा काटा। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, जिस तरीके से बड़े बड़े सपने लेकर लोग IIT रुड़की पहुंचते हैं और अपनी पढ़ाई करने के लिए वहां जाते हैं, और अभी अगर मेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है जहां मेस में चूहे पाए गए हैं, क्या लगता है लोगों का किस तरीके से रोष देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि ये मामला बहुत ही उस तरीके से जो है चर्चा में है, क्योंकि IIT संस्थान विश्व में प्रसिद्ध है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर आक्रोशित होते दिखाई दे। हालांकि राधा कृष्ण जो मैस है उसमें वहाँ पर कढ़ाई में और कुकर है में बर्तनों के अंदर पूरी तरीके से जो है जो वहां पर चूहे दिखाई दिए, उसी को लेकर जो है तमाम जितने भी छात्र हैं वो वहां आक्रोशित दिखाई दिए, उनका वहां पर हंगामा हुआ। हालांकि IIT जो प्रबंधक है वो वहां पर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, बामुश्किल मामले को शांत कराया गया। वही बात की जाए तो IIT में तमाम जो पत्रकार हैं इस मामले को लेकर उनकी एंट्री भी पूरी तरीके से बैन कर दी गई, अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया, क्योंकि छात्रों से किसी तरीके की बात नहीं करने दी गई और छात्रों को भी IIT गेट से बाहर नहीं जाने दिया गया। हालांकि IIT के जो छात्र हैं वो मीडिया के संपर्क में रहे और जो है जो IIT का प्रधान जो प्रबंधक है उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनकी जो स्टाफ है वहां पर गलती की गई है, उस गलती को सुधारा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। जी वही सलमान, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि वहाँ छात्रों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला रुड़की से सामने आया था? या यूं कहें, क्योंकि छात्रों का जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर माना जा सकता है कि छात्रों में इस चीज को लेकर काफी नाराजगी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि छात्रों में बड़ी नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि ये ऐसा मामला, हालांकि पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं लेकिन ये मामला बड़ा तुल पकड़ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर जो वीडियो भी सामने आया उसी को लेकर जो है छात्रों में बड़ा आक्रोश है। बताया जा रहा है कि 400 से अधिक जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से वो भूखे पेट वहां पर मौजूद रहे। हालांकि उनको काफी समझाने का प्रयास किया और उनका पूरा जो समय था वहां पर बर्बाद होता दिखाई दिया, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पर छात्र जो है IIT संस्थान में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो उसी को लेकर जो छात्र छात्राएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दिए। हालांकि जो IIT का प्रशासन है वो पूरी तरीके से इन छात्रों को समझाने के प्रयास में जुटे रहे हैं और देर रात तक ये मामला चलता रहा, जिसके बाद मामला नहीं जाकर शांत हुआ। हालांकि जो छात्र हैं उनको गेट से IIT गेट से बाहर तक नहीं किया गया, ताकि किसी भी मीडिया के संपर्क में ना जाए या किसी अन्य संगठन के जो है संपर्क में ना जाए, वो कहीं ना कहीं जो मामला है वो बड़ा तूल पकड़ सकता था, उसी को लेकर जो है IIT प्रशासन ही पूरी तरीके से चौकन्ना रहा। जी वही सलमान, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि इस बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में इस तरीके की लापरवाही सामने आती है, तो अगर IIT रुड़की की बात की जाए तो इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी कौन ले रहा है और आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ अहम एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? देखिए, IIT मीडिया सेल की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया है उसमें IIT ने इस चीज को लेकर पूरी तरीके से नकारा है। इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो लापरवाही है ये वहां पर मेज में रहने वाले कर्मचारियों की है, उनके खिलाफ जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो है जो भी इस मामले को लेकर जो भी पहलुओं पर तमाम जांच के बाद कुछ भी मामला सामने आएगा उसको लेकर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उनका साफ तौर से कहना है कि ये सरासर बड़ा मामला है और ये कहीं ना कहीं IIT मेज के कर्मचारियों की गलती है, और ये गलती भी हालांकि IIT मीडिया रिलीज में बताया गया है कि ये पूरी तरीके से गलती है, जिसको वो पूरी तरह सुधारने का प्रयास करेंगे। जी
वहीं सलमान स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लगातार जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि मेस से कई छात्रों का पेट भरता है और कई छात्रों को खाना भी दिया जाता है, तो क्या लगता है कि आईआईटी रुड़की में जो इस तरीके का मामला सामने आया है, इससे आगे आने वाले जो छात्र हैं उन पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो उसी को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी अलग तरीके की टिप्पणियां देखने को मिली। हालांकि चर्चाओं का माहौल पूरी तरीके से गर्म है और बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल भी इस मामले को लेकर आज आईआईटी प्रशासन से वार्ता करेंगे, ऐसी जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है। वही बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि जो फूड अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क साधा जाएगा, जो जो राजनीतिक दल है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से छात्रों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, तो कहीं ना कहीं ये तो वीडियो के माध्यम से तमाम जगह पर जो उजागर हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे न जाने कितने वहां पर जो है खामियां अंदर पेशी की जा रही होगी और कितनी खामियां अंदर देखी जा रही होगी, उस पर तमाम गुणवत्ता को लेकर जो है अधिकारियों से भी वार्तालाप करेंगे। जी ठीक है, सलमान मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने ये वीडियो भी देखा, ये रुड़की आईआईटी का वीडियो है जहां पर मेस में चूहों का निकलना सामने आया है और कहीं ना कहीं करीब 400 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने खाना भी नहीं खाया है और माना जा रहा है कि बड़ा प्रदर्शन करते हुए भी छात्र वहां देखे गए हैं। और अभी हमने इस खबर से लेकर तमाम जानकारी के साथ सलमान मलिक से भी बात की और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेस में जो लोग कार्यरत हैं उनकी लापरवाही भी सामने आई है और स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर बड़ा एक्शन ले सकता है।